अयोध्या में राम मंदिर बना, प्रभु श्री राम विराजमान हुए। क्या आप जानते हैं राम मंदिर आंदोलन को धार देने में देश के कई महान हस्तियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। इन्हीं में से एक थे स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इसी मौके पर अयोध्या में खास आयोजन किए गए। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, इनके नेतृत्व में 1949 से लेकर 1990 तक कई बार राम मंदिर के लिए आंदोलन हुए। ये अयोध्या की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके संघर्ष और नेतृत्व की वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अयोध्या के लोगों के साथ मिलकर उनके योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत भी मौजूद रहे। बता दें, रामचंद्र परमहंस दास जी की याद में अयोध्या के कई हिस्सों में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इनके बिना राम मंदिर आंदोलन को इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सकता था। अयोध्या में आज हर कोना उनकी याद में सजाया गया है। हिंदूवादी चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे रामचंद्र परमहंस दास जी की मृत्यु 1 अगस्त 2023 में हुई थी। आपको बताते चले कि दिगंबर अखाड़ा के महंत और संत शिरोमणि रामचंद्र महंत दास जी अपने स्वभाव के लिए जाने जाते थे। देश की राजनीति में भी इनका दबदबा रहता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रामचंद्र परमहंस दास जी के निधन पर अयोध्या के सरयू घाट पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। जिस दिन इनका देहांत हुआ था, उस दिन पूरी अयोध्या नगरी सावन की तृतीय तिथि में गम के साथ शोक की लहर में डूब गई थी। शायद यही वजह है कि आज भी उनकी पुण्यतिथि पर अयोध्या के वरिष्ठ साधु संतों के अलावा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।